हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड टेक स्टडी। मेरा नाम है राहुल इंदौती और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड पार्ट किसका, तत्सम तद्भव का। यानी कि फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ, क्योंकि ओनली ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया था। बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो UPSI हुआ, चाहे यूपी कॉन्स्टेबल हुआ, चाहे MPSI हुआ, MP कॉन्स्टेबल, सब में जो आता है हिंदी तो इस टाइप के ही आते हैं। इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ ओनली आंसर आंसर बताऊंगा, उसमें साथ ही साथ ये आंसर आ क्यों रहा है तो उसके बारे में भी बताऊंगा। इसलिए आपका ये कवर क्लियरली कवर हो जाएगा, जो डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इजीली आप इजी क्वेश्चन लगा सकते हैं। सो प्लीज़, ये मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट सेकेंड है, सेकेंड क्लास है मेरी हिंदी की। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इनमें तद्भव शब्द क्या है? यानी कि तद्भव होता है एक हिंदी वर्ड। तो यार ना, तीन इनमें से कोई भी तीन तो अपना रहेंगे तत्सम, लेकिन एक रहेगा तद्भव, वो कौन सा है? वो है साम। अब देखो, ये इसका मयूर का जो तद्भव है वो होता है मोर। सत्य का जो तद्भव है होता है तो वो होता है सच। तो इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये बिहार यूपी पुलिस में आया था 2010 में। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम नौ की तद्भव, तत्सम पूछा यानी संस्कृति वर्ड टाइप में, कौन सा है? आम्र या दूध या शहीद या खिड़की? देखो, दूध अपन नॉर्मल यूज़ करते हैं, शहीद नॉर्मल यूज़ करते हैं, खिड़की भी नॉर्मल यूज़ ही करते हैं। तो सिंपल इसका आंसर आम्र। और आम्र एक तत्सम, और इसका तद्भव क्या होता है? आम, नाम से पता चल रहा है कि आम। और दूध होता है, जो दूध एक तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम होता है दुग्ध, ठीक है। और खिड़की जो है, खिड़की का जो तत्सम शब्द है वो है शायद वहाँ वातायन है। क्या है? वातायन। तो तीनों तो फर्स्ट का फर्स्ट ही आंसर है आम्र। नहीं है विकल्पों में से तद्भव शब्द देखना है आपको। तद्भव कौन सा है? नहीं, हिंदी वर्ड। बैंक, अमीर, अग्नि या मुंह? अग्नि हो नहीं सकता, यहाँ से साफ पता चल रहा है, ठीक है। एंड जो मुंह है तो देन अमीर हो नहीं सकता, बैंक। तो ये बोली मुंह इसका तद्भव यानी हिंदी वर्ड। और इसका जो तत्सम मुख होता है, क्या होता है? मुख, ठीक है। अग्नि एक क्या है? अग्नि तो आपको पता ही है तत्सम, लेकिन इसका जो तद्भव वो है आग। क्या है? आग। अमीर एक अरबी भाषा है, तो इसका कोई अरबी भाषा है, बस ये याद रखना। और जो कि बैंक एक अंग्रेजी भाषा है, यानी कि कहते कह सकते हैं विदेश शब्द। तो इसका आंसर क्या है? मुंह। फोर्थ, इसमें से तत्सम शब्द देखना है, फाइंड क्या करना है? तत्सम शब्द स्कंद या कपोत या ईशा या हल्दी, तत्सम ही संस्कृति टाइप में, कौन सा आपको लग रहा है? तो सिंपल है, वो है हल्दी। देखो, स्कंद जो कपोत और ईशा के जो तद्भव, ये क्या है अपने, ये या सॉरी, इसमें से यही, हाँ वही, मैं थोड़ा कंफ्यूज था बिकॉज ये सारे अपना मुझे तत्सम लग रहे थे। बट इसमें पूछा कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि हल्दी तत्सम शब्द नहीं है, बाकी ये तत्सम, ये तत्सम, ये तत्सम है, ठीक है। और इसका अंदर ये सारे तत्सम है। और हल्दी का जो तत्सम होता है वो होता है हरिद्रा। क्या होता है? हरिद्रा। ये 2015 में पूछा था ये क्वेश्चन, याद रखना, UPSSC में, राजस में। नेक्स्ट है, गधा का तत्सम क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। गधा का तत्सम यानी गधा एक तद्भव, इसका तत्सम क्या होता है? तो ये मैं शायद बता चुका हूँ पहले उसमें, तो लेकिन नहीं बताया तो फिर ही बताया था। वो है गधर्व। क्या होता है? गधर्व। प्रिय का तद्भव बताइए, प्रिय का, प्रेम या प्रिया, प्यार या पिया? तो सिंपल है, फिर भी बताइए आप प्रेम लगाओगे बट है नहीं। इसका आंसर इज ए, पिया। प्रिय का तत्व एक तो ये भी बोला सकता है पिय, और पिया भी बोला सकता है, यानी कि एक ये भी है चूड़ी, ठीक है। तो ये आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि एक तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सभी इसमें तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव, लेकिन एक कौन सा नहीं है, ठीक है। बाकी सभी तत्सम है लेकिन एक नहीं है, कौन सा नहीं है वो? कुसुम, भूषिका, वंश, नेह। तो नेह ऑब्वियसली नेह नहीं है।
नहीं, एक तद्भव शब्द है, यानी कि ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह। ठीक है, तो आंसर इज फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, यानी कि हिंदी वर्ड, पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। तो यार पंख नाम पता चल रहा है, पंख, पंख इसका आंसर। ठीक है, और जो पंख और इसका जो तत्सम होता है वो पच होता है। क्या होता है? पच। में पिछले में ये 2015 में आया था UPSSC में, राज में। तद्भव शब्द देखिए, तद्भव यानी हिंदी वर्ड कौन सा है, इसमें सुर, निडर, गति या कमल। तो निडर है, निडर कहती है डर, और इस निडर एक ओबली तद्भव है, लेकिन जो सुर, गति और जो कमल है वो तत्सम शब्द है तीनों। आंसर सेकंड। नेक्स्ट है पच का तद्भव, अभी मैं ऊपर बताया, अभी पच का आप खुद बताओगे इसे। तो वह पंख, पंख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तो पंख है, यानी कि सिर्फ सिंपल है, पच का जो तत्सम है वो है पंख, मतलब सॉरी पंख पच अपना तत्सम ले लेके, ये है तद्भव। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम देखते हैं, सांप या चिन्ह या बीड़ा या विस्मय। तो यार देखो, सांप हिंदी वर्ड लग रहा है, तद्भव लग रहा है, चिन्ह ये भी बीड़ा, यानी कि आंसर इज फोर्थ, विस्मय। इसमें से कौन सा शब्द जो तत्सम शब्द है, मुमुच या वरिष्ठ या ऊँट या ऊष्मा। तो सिंपल है, इसका आंसर इज है वो है मुमुच। क्या है? मुमुच। तो मुमुच क्या है? तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। कपट का जो तद्भव है वो उसका रूप बताइए आप। तो सिंपल है, इसका कपड़ा है, कपड़ा क्या है, एक तद्भव रूप है, लेकिन जे अपना जो जो कपड़ा का जो तत्सम पूछेंगे तो वो कर्पट है। ठीक है, और कर्पूर का कपूर है, यानी कि जो कपूर एक तद्भव है, लेकिन इसका जो तत्सम है वो है कर्पूर। तो आंसर इसका सिंपल है, फोर्थ आंसर इसका कपड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं बताना आपको, मतलब तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं, यानी कि तीन इसमें तत्सम शब्द जोड़ी है, बट इसमें से एक कोई नहीं है। तो कर्म की विद्या या दति भात या मत्स्य या मृग या ज्ञान क्षेत्र। तो सिंपल आंसर इज सेकंड, दधि और भात। दधि, दधि एक तत्सम शब्द है। ठीक है, और जो जो दधि का जो तत्व होता है वो दही होता है, इसका क्या होता है? दही। ठीक है, इसका दही होता है, जबकि जो भात का होता है, भात भी तत्व है, लेकिन भात का जो तत्सम होता है वो भक्त होता है, इसका क्या होता है? भक्त। ठीक है, तो ये अपना तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। तो आंसर सेकंड, मक्खी का तत्सम बताइए आप। मक्खी का तत्सम शब्द बताइए, तो वो है मच्छी का, माछी, मच्छी का नहीं है, मच्छी का है। ठीक है, मच्छी का शब्द है, तो आंसर इज फोर्थ। हल्दी का तत्सम शब्द बताइए। हल्दी का ऑब्वियसली वो है तद्भव, लेकिन हल्दी का तत्सम क्या हुआ? हरिद्रा। क्या है? हरिद्रा, यानी कि आंसर इज थ्री। हुलास शब्द का तत्सम शब्द रूप देगी, हुलास का तत्सम बताइए, तो वह है उल्लास। क्या है? उल्लास, फोर्थ आंसर। नारियल शब्द का तत्सम रूप बताइए, तद्भव नारियल, लेकिन इसका तत्सम क्या होता होगा? तो वह है नारिकेल। क्या होता है? नारिकेल। सो दैट आंसर इज थ्री, नारिकेल ना, तो नारिकेल होगा, तो वही मैं थोड़ा कंफ्यूज था। तो आंसर इसका फर्स्ट होगा नारिकेल, छोटी मात्रा लगेगी ना। तो इतने क्वेश्चन हो गए, अब ये क्या कहते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे तद्भव तत्सम में, तो ये क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, मुझे पता है। सो ये कंप्लीट हो गया तत्सम तद्भव।